नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अफगानिस्तान एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसे देखकर हर किसी की रूह सहज जाती है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान के लोग आर्थिक संकट की मार झेलने के लिए मजबूर हैं और देश की सत्ता दहशतगर्दों के हाथों में पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान के ताजा हालात इस रिपोर्ट के जरिए। दर बदर भटकते लोग कुछ समय पहले तक आजादी की हवा में सांस ले रहे थे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और परेशानियों के बीच अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे मौजूद थे। इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त इन्हें बेघर करने वाला था और इन्हें दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश के जिन आलाकमानों के भरोसे ये लोग जीवन व्यापन कर रहे थे, इन्हें क्या पता था वही लोग तालिबान के लड़ाकों के आगे घुटने टेक देंगे। और फिर दुनिया ने देखा तालिबान के खौफ का वो मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये तमाम लोग जो भाग रहे हैं वो शायद ही ये जानते हैं कि ये कहां जाएंगे, पर हाँ ये देखकर इतना साफ पता चलता है कि तालिबान की हुकूमत तले जिंदगी इन्हें मंजूर नहीं। पर अब भी कुछ लोग अफगानिस्तान में तालिबान का सामना कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, अफगानिस्तान भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने को मजबूर हैं। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता खजीदा अहमद बताती हैं कि मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूं जिन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए अपना फर्नीचर और अन्य सामान बेच दिया है। काबुल के चमन हौजरी मजार शरीफ के बाजारों में ऐसे नजारे आम हो चले हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर, कुशन, पंखे, तकिए, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, कुकवेयर और अलमारियों। वहीं मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण देश के अनेकों राज्यों की हालत खस्ता हो चुकी है। मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके के अनुमान सामने आए हैं उससे इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को हल्की बारिश देखी गई, जिसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि IMD ने गुरुवार के लिए मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। साथ ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी भारी बारिश हुई है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और अमरोहा समेत राज्यों में लगभग 30 जिलों में बुधवार रात को लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण 12 लोगों की मौत भी हो गई है। ये जिले के फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर और बाराबंकी जिले शामिल हैं। इसी के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे ये जानकारी ट्वीट के जरिए जारी की है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। तो वहीं बारिश के मौजूदा हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार काशगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे ताजा हालात वहां पर क्या कुछ नजर आ रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं बताऊं तो यहां पर जो बारिश है, बारिश ने फिलहाल के लिए तो लोगों की बेचैनियां बढ़ा रखी है। अगर मैं बारिश की बात करूँ तो कल से ही जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है 24 घंटे अभी हो चुके हैं बारिश होते होते हुए, और अभी एक दिन और बारिश रहेगी। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जो है 3 दिन का ये बताया था कि 3 दिन लगातार बारिश रहेगी। और इस बारिश की बात करते हैं, इस बारिश से लोगों का जो घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अगर जो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो ड्यूटी पे जाने के लिए सुबह सुबह ही बारिश हो रही है, अब बारिश का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है, आज सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो स्कूल से उन्हें वापस आते देखा, मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं तो बोले हम स्कूल से आ रहे हैं, तो बताया कि मैंने क्यों आ रहे हैं वापस। शिव कुमार, भारी बारिश के चलते सरकार ने जो है स्कूलों को भी 2 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया वहाँ पर देखने को मिल रही है?
देखिए पल्लवी, अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल, हाँ ये अब जो स्कूल प्रबंधक है उन लोगों ने पहले ही और सूचना विभाग ने पहले दे दिया था, अलर्ट कर दिया था कि दो दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन बच्चों को जो नहीं पता था कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं या फिर स्कूल प्रबंधक को ताजा जानकारी मिली हो इसके माध्यम से मैं बताऊं, तो जो बच्चे गए थे स्कूल तक, लेकिन स्कूल से वापस आए थे, मैंने देखे थे, मैंने पूछा था, तब उन्होंने बताया कि इससे बात है कि जो है स्कूल बंद किए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि जो है स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो नहीं जा पाए बारिश की वजह से, और कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो ड्यूटी पे नहीं जा पाया है, ये बारिश की वजह से बहुत सामना करना पड़ रहा है। और पल्लवी इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, जो बारिश हो रही है जिस बारिश से बच्चों का ही नहीं इस बारिश से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं, जैसे डेंगू का जो मच्छर है वो पैदा हो रहा है, और जिससे डेंगू पैदा हो रहा है तो लोगों में कहीं ना कहीं आशंका और बढ़ जा रही है। जैसे मैं काशन से थोड़ी दूर और आगे बढ़ता हूँ, जैसे सड़पुरा साइड की बात करूं तो डेंगू के प्रभाव इतना बुरा पड़ा है कि यहाँ पर कल 3 लोगों की बुखार आने से मौत हो चुकी है। पल्लवी शिवकुमार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फसल की अगर बात की जाए तो कई फसलें जो है जलमग्न हो चुकी हैं, तो उनका ताजा हाल क्या कुछ है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मुआवजे की बात को लेकर कहा जा रहा है? देखिए पल्लवी, अगर मुआवजे की बात करूं तो मुआवजे की तरफ से हमारे पास अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर मैं फसल की बात करूं तो मैं सुबह सुबह गया था, मैंने की देखा था इतना फसल किस तरीके से किसानों की गिरी हुई है, जो करीब जिस फसल की हम देहाती भाषा में बाजरा बोला जाता है, आप भी जानते होंगे अमूमन बाजरा होता क्या है, तो उसकी हाइट लगभग 7-8 फुट लंबी हो जाती है, हाइट बढ़ जाती है, तो वो उसकी जो फसल है वो हवा के चलते, हवा भी काफी तेज चल रही थी, जिसमें क्या है कि फसल भी जो जमीन पे गिर चुकी है पल्लवी, तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसमें जो उनकी लाभ ठीक नहीं निकलेगा। जब फसल जमीन पे गिर जाएगी, जिसकी जड़ होती है उससे हवा निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं फसल में जोर नहीं लगता है, जो फसल भी कहीं ना कहीं नुकसान के तरफ बढ़ रही है और लाभ नहीं मिलेगा पल्लवी। और साथ ही साथ में बात करूं बिजली विभाग की तरफ से, जो मैंने सुबह ही बिजली विभाग को भी फोन लगाया, यहाँ पर मेरी सिटी में 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, तो मैंने पूछा कि जेई साहब को फोन लगाया कि आप बताइए 24 घंटे हो गए बिजली क्यों नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने मुझे अपनी प्रतिक्रिया दी कि सर मैं तो हमारे यहाँ पर जो 15 पोल ऐसे हैं जिनकी वजह से जो पोल था जर्जर हालत में हुआ, कुछ भी जिनमें नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बिजली भी जो प्रभावित हुई है अभी तक। जी शिव कुमार ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जल भराव की समस्या सबसे आम है जो देखने को मिल रही है, तो पानी के निकास के लिए क्या कुछ प्रबंधन वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए पल्लवी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, तो उस हिसाब से जो बारिश काशगंज अगर जनपद की बात करूं तो काशगंज जनपद में उस तरीके की बारिश तो नहीं भैया जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया हो, लेकिन हाँ बारिश इस तरीके से हुई है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम चलती रही है, जो कि उसने खुलने का नाम नहीं लिया है, बारिश रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ तादाद में नहीं हो, जैसे कि एकदम मूसलाधार बारिश होती हो तो जिससे जल भराव की समस्या हो जाती है, तो ऐसी बारिश नहीं है, लेकिन हाँ बारिश ऐसी है कि काम में बाधा डालने वाली बारिश चल रही है पल्लवी इस समय। जी शिव कुमार आपके साथ अभी जुड़ेंगे, मैं चाहूंगी मुकेश से हम बात करें, मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, मुकेश वहां क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर में लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह काफी पानी भरा हुआ है, लोगों को लगातार आवागमन परेशानियों का सामना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बाइक सवार भी आवागमन के दौरान कई जगह देखकर घायल भी हुए, लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें तो शासन प्रशासन द्वारा लगातार दो दिन की 17-18 की छुट्टी भी कर दी गई है, लगातार जिस तरह से बारिश प्रयास हुआ भी है, बारिश को देखने को मिला है, और आर्थिक समस्या भी आम लोगों के कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, और स्थानीय नगरपालिका की बात करो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, गलियों में लगने पर लोग आवक बच्चे निकलते पानी में करते हैं, काफी कहीं ना कहीं महामारी बढ़ाने का ये लोग दे रहे हैं, तो सफाई व्यवस्था जो बचाव और राहत कार्य होता है वो कहाँ तक पहुँचा है, राहत कार्य किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है वहाँ पर? जनपद में राहत कार्य अभी तक ऐसा कोई कदम पहल नहीं उठाया गया, राहत की बात करें, यहाँ राहत के लिए ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं, बस यही है तो जो गलियों का पानी भरा है ऐसा विशेष यहाँ जनपद में नहीं देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से पानी वहां भरा हुआ है तो लोग अपना जीवन व्यापन उस वक्त कैसे कर रहे हैं, बाहर से जो सामान लाना है उसके लिए क्या कुछ मुसीबतें वहां पर देखने को मिल रही है जो आम हो चुकी हैं काफी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो सड़कों पर गलियों में पानी भरा हुआ है उसको पार करके लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लगातार निरंतर निकल रहे हैं, उसी से घर से जाते हैं और पानी में वापस आते हैं, सामान ला रहे हैं अपने आजीविका की उन्हें आवश्यकता की वस्तुएं, तो पानी को गुजर कर ही ला रहे हैं, पानी निकलवाने के लिए नगर पालिका द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं अभी तक अमल में लाई गई है।
जी शिव कुमार के पास मैं वापस लौटना चाहूंगा। शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि राहत कार्यों को लेकर काम वहां पर कहां तक पहुंच पा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद है जो मुहैया कराई जा रही है लोगों को? देखिए जी पल्लवी, में अगर बात करूं तो जिस तरह की आपकी राहत की बात कर रही है, जैसे कि राहत जैसी अभी यहाँ पर सिचुएशन नहीं बनी है, क्योंकि जो राहत जैसी अगर सिचुएशन की बात करूं तो कुछ जिले ऐसे थे तो उनको अलर्ट पर रखा गया, जैसे कि उनमें से जिला है सुल्तानपुर है, मथुरा है, सीतापुर है, संभल है, मुरादाबाद है, शामली है, बुलंदशहर है, तो ऐसे जिलों में कई ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। तो वहां को प्रशासन को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमें जो है आने वाले जो 3 दिन थे उनके लिए किस तरीके से मौसम विभाग ने बता दिया था कि ये जिले अलर्ट पे है, तो वहां के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने जिला के लिए किस तरीके से सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए, जो सुविधा होती है, जो कल्याणकारी चीजें होती है, तो उनके लिए किस तरीके से वहां की जनता के लिए देना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर मैं जनपद कासगंज की बात करूँ तो जनपद कासगंज में जो बॉटल लॉगिंग की इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं हुई है। हाँ मैं मानता हूँ समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हुई है ना किसानों के मामले की, जो किसानों की फसल इस बारिश में जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, जो फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे क्या किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पल्लवी जी जी शिव कुमार, ये भी जानना चाहिए प्रशासन की तरफ से जो है कहा गया था कि जिनकी फसल का जो नुकसान है वो सरकार देगी, चुकाएगी, और ऐसे में आवेदन पत्र भी भरने के लिए कहा जा रहा है, तो किसानों की क्या कुछ लाइनें कार्यालय के बाहर देखी जा रही है? देखिए अभी पल्लवी, जिस तरीके की फसलों के नुकसान हुआ है, अब ये देखने वाली बात होगी क्या जो किसानों की फसल गिरी है क्या वो सरकार तक अपनी बात को पाएंगे, क्या वहां तक जा पाएंगे, क्या वो अपना फॉर्म है जो उसको फिलअप करके सबमिट कर पाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। फिर प्रशासन जो उनकी किस तरीके से मदद करेगा, क्या उनको किस तरीके से उनकी मदद करेगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या खाने की सामग्री वितरण करेगा या मनी से संबंधित कोई चीज प्रोवाइड कराएगा, तो ये देखने वाली बात होगी पल्लवी। फिलहाल अभी इसके बारे में जो बात की चर्चा है, जो बात पर इसको बात करना जरूरी रहेगा कि हाँ हालांकि किसानों ने जो उनका फॉर्म दिए जाएंगे वो सबमिट करेंगे, उसके बाद प्रशासन क्या उनकी मदद करेगा, ये बात की बात है। फिलहाल तो अभी ये है कि हाँ उनकी फसल जो है धराशायी होगा, अब इसके बाद में क्या किसान अपनी आवाज उठाएंगे, क्या सरकार जो प्रशासन तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी पल्लवी जी। जी शिव कुमार लौटेंगे आपके बाद। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किसानों का इस वक्त क्या हाल है, जो फसल उनकी जलमग्न हुई है कुछ पता चल पा रहा है, कितनी बीघा जमीन है जो नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को? जी जैसे चिंतित है, तो इस संबंध में जो ना तो फार्म अभी हो रहा है कि मामला है तो पता चल जाएगा। अभी किसान अभी अभी फसलों का मौसम खराब है, जी मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान जो है किसानों को देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम आपको लेकर चल रहे हैं हमारे संवाददाता के पास, और शिव कुमार आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जी। जिस तरीके से कटान की अगर मैं बात करूं, नदी की कटान को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ देखिए, अगर मैं नदी की कटान की बात करूं तो पल्लवी जो अभी तक जो खतरे के ऊपर नहीं है नदी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो भारी पिछला जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी जो है तेजी से भाव की तरफ चल रहा है, तो कटान जो है कटान की स्थिति पर अभी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जब बारिश होती थी तो तब कटान की स्थिति पर थी, तो हमारे जो हमारे जिले के जो अधिकारी सीपी सिंह उन्होंने जो है बड़ी अच्छे तरीके से उनका जो तराई क्षेत्र के इलाके होते हैं तो उनके लिए सामग्री वितरण करने की बात करी और बाकी वहां जाके उनका जायजा लिया था। तो फिलहाल की जो कल परसों की बारिश की बात करूं तो यहां पर कटान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर पीछे जो बारिश हो रही है और वहां बारिश ज्यादा होती हो और हो रही हो तो उसकी वजह से अब जहां तक उनका पानी आए तो इस पर हमारे जो जिले के अधिकारी है उस पर जाकर के देखें या मुआयना करें कि पानी कटाव से ऊपर चल रहा है, तो उसको जरूरी कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी पल्लवी। लेकिन फिलहाल अभी कितना जो है वहां पर इस वक्त निरीक्षण किया जा रहा है, किस बेसिस पे निरीक्षण किया जा रहा है वहां पर? देखिए पल्लवी, अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है जो जैसे डेंगू का
प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन एक दो मौत हो रही है पल्लवी जी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेंगू का लार्वा है ये मान सकते हैं हम पूरी तरीके से, हाँ कहीं ना कहीं इस पानी से जो प्रभाव जो शहरी नागरिक है उन पर भी पड़ा है। जैसे मान लीजिए देहात में तो क्या है कि खेतों में खलिहानों में पानी सूख जाता है जल्दी से, लेकिन जो शहरीकरण होता है जहाँ पर शहरी जमीन जायज होती है, यहाँ पर पक्की जमीन हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है कि उनका वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है जिसमें मच्छर पैदा हो जाता है, जिससे एक डेंगू फैलने की ज्यादा बड़ी संभावना रहती है। जो है सावधानी बढ़ती जा रही है शिव कुमार, कल ही जो हमने देखा है। हाँ जी पल्लवी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बढ़ती जा रही हैं, किस तरीके की वहां पर व्यवस्था इस वक्त की जा रही है मौजूदा हालातों को देखते हुए? पल्लवी जी अगर मैं बात करूं, सिर्फ बात में कर रहा हूं तो अभी कर रहा हूं डेंगू पर, क्योंकि डेंगू का हमारे यहां प्रकोप ज्यादा है, बारिश का प्रकोप नहीं है इतना मैं कह रहा हूं, डेंगू का प्रकोप ज्यादा है, जिसको लेकर के ब्लॉक स्तर से अब जो एंटी डेंगू लार्वा जो दवाई होती है उसको छिड़काव करने की हर गाँव में कोशिश की जा रही है और उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कल जो है हमारे गाँव में भी हमने गाँव में जाके देखा तो वहां पर जो लार्वा एंटी पाउडर होता है उसे पूरी तरीके से गाँव में नालियों में छिड़काव लगा रहे थे और जो जिसमें कीटनाशक दवाई मिला करके गांव में स्प्रे किया जा रहा था पल्लवी जी। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो प्रशासन है ब्लॉक स्तर लेवल का वो काम कर रहा है। जी शिव कुमार लौटेंगे आपके पास, रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी जी, बताना चाहूंगा जनपद सिद्धार्थ नगर की जो स्थिति है बेहद ठीक ठाक है, बरसात हो रही है लेकिन वो स्थितियां नहीं है जो अदर डिस्ट्रिक्ट में जनपदों में देखी जा रही है। सड़कें ठीक ठाक चल रही है, मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है जो जिससे बाढ़ मतलब जल जमाव से प्रभावित हुआ हो। जी पर सिद्धार्थ जिस तरीके से डेंगू और वायरल बुखार का कहर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, डेंगू और जिस तरह से जर्जरित बीमारियां का फैलाव बाढ़ के कहर से उत्पन्न हुआ उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और इसके लिए अलग से वार्ड भी बना दिए गए जनपद अस्पतालों में और स्थानीय अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बिया है ऐसे तमाम 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी वार्ड बना दिए गए जिससे इन जलजनित बीमारियों से बचाया जा सके लोगों के लिए। प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। दवाई का छिड़काव को लेकर क्या कुछ वहां पर है रविंद्र, छिड़काव किया जा रहा है? बिल्कुल, इस तरह का पहल अब तक देखा नहीं गया है जिससे सैनिटाइजेशन हो सके ग्राम पंचायतों में और ऐसे जहाँ जलजनित बीमारियों से लोग प्रभावित हुए हैं ऐसे गांव में अभी तक सैनिटाइजेशन का रूप नहीं देखने को मिला है। जी और रविंद्र ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और आगे के लिए भी जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं मौजूदा हालात को देखते हुए या फिर आने वाले हालातों के लिए उनसे संभलने के लिए? अभी बरसात की स्थिति को देखते हुए मैम जैसा पल्लवी जी बताना चाहूंगे कि एनडीआरएफ टीम भी मतलब लाई गई है जनपद में कार्य कर रही है लेकिन वो स्थिति नहीं है, सामान्य स्थितियां हैं जनपद में, इस तरह से कोई घटनाओं का क्रम नजर नहीं आ रहा जिससे लोगों का। तो रविंद्र लोगों से आपकी बात हो पाई है, कुछ समस्या जो उन्हें अगर नजर आ रही है जो उनके सामने आ रही है बरसात की वजह से? लोगों की जो जानकारी मिल रही प्रशासन जिस तरह से बाढ़ की स्थितियां थी और राहत पहुंचाने की जो समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रहा है, सरकार तो पूरी तरह से लगी हुई है वितरण करने के लिए लेकिन जो ग्राम पंचायत के लेखपाल वगैरह हैं इस तरह से जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी वो कहीं ना कहीं इतर बितर नजर आ रहे हैं और जिससे लोगों को राहत अब तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। जी रविंद्र देखा ये गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है घरों में पानी घुसाया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि सिद्धार्थनगर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी वो समय तो फिलहाल पल्लवी जी निकल चुका है, मेरे यहाँ समान स्थिति हो गई, बाढ़ की स्थितियाँ समाप्त हो चुकी है, अब इस बरसात में अब आने वाले समय में बरसात और बेहद रूप लेगा इसकी तो अभी जानकारी नहीं मिल पाया है मौसम विभाग का, तो फिलहाल सामान्य स्थितियां देखी जा रही है, बाढ़ की स्थिति एकदम सामान्य हो गई है, गांव में पानी नहीं है। जी और अगर किसानों की बात की जाए रविंद्र, तो किसानों को वहां पर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उनकी फसल इस वक्त? किसानों की फसलें पल्लवी जी बिल्कुल एकदम बेकार हो चुकी है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया बाढ़ की चपेट में आने के कारण, और राहत वही हुई कि राहत जो सरकार पहुंचा रही वो फ्री कर रही है, इससे बहुत ज्यादा किसानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से फसल आदमी काटता है
कि अधिकतर अधिक लोगों को फायदा होगा, उस हिसाब से राशन और राहत बिल्कुल स्त्री नजर आ रहा, मतलब पूरी तरह से कहा जाए कि उपयोग मान्य नहीं है कि मतलब लोगों को इससे संतुष्टि। चलिए शिव कुमार आपसे जानना चाहेंगे, आपसे सवाल इस वक्त का मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से घरों में पानी घुसाया है और अब लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, अगर आपके लोगों से बात हुई है उनका क्या कुछ कहना है या क्या कुछ मांग है उनकी जो प्रशासन से वो कर रहे हैं? देखिए पल्लवी, हम अगर मैं बात करूं लोगों के घरों के पानी की, तो जहाँ पर जो है जल झराव की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, जिस तरीके से मैं जो देख रहा हूँ घूम रहा हूँ जगह जगह, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम थी कि लोग जो है ड्यूटी जाने वाले थे तो वो ड्यूटी समय पे नहीं जा पा रहे हैं, लेट शेट चल पा रहे हैं पूरी तरीके से, जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे वो नहीं जा पाए। लेकिन क्यों तो हमारे यहाँ पर उस तरीके से, मैंने ये सवाल पहले भी आपसे बोला था कि हमारे यहाँ पर जो बारिश हुई है उस तरीके से बारिश नहीं हुई जैसे मूसलाधार बारिश होती है, जैसे आपने देखा होगा मुंबई पूरी तरीके से जाम हो जाती है, आपने देखा होगा दिल्ली में कभी कभी पूरी तरीके से जाम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट कासगंज की, तो ऐसी स्थिति घरों में पानी भरने की कोई नौबत नहीं आई है पल्लवी जी। पल्लवी जी सिर्फ सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही उठता है कि अगर जो सबसे ज्यादा हमारे जो प्रकोप है हमारे जिले में, तो डेंगू जैसी बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप है, जो वायरल फीवर चल रहा है सबसे ज्यादा उसका प्रकोप चल रहा है, तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं उस वायरल फीवर की दहशत में अभी मौजूद है पल्लवी जी। चलिए शिव कुमार और रविंद्र आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा दर्शकों को बता दें कि इस वक्त बारिश की वजह से हालात जो है उत्तर प्रदेश में खस्ता बने हुए हैं, हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी मौसम की इतना प्रकोप देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ जगहों ऐसी हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरए न्यूज़।